वेलकम है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड क्लासरूम में। और आज मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में ए टू जेड, मतलब जो बोलते हैं ना बेस से लेकर आखिर तक की सारी नॉलेज दूंगा, ठीक है। जिसमें आपको मतलब हर कुछ, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी मैंने नया चैनल बनाया है, तो इसलिए जो भी मतलब गलती हो या कोई दिक्कत हो आपको, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरा सपोर्ट करना, मेरे चैनल को लाइक करना, सपोर्ट करना, वीडियो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और बस मैं इतना ही कहूँगा, सपोर्ट करना मुझे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहला मतलब फर्स्ट जो है, तो उस हिसाब से कंप्यूटर फंडामेंटल तो नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता खास, तो उस हिसाब से इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। बाकी हमारा वहाँ कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला हमारा इसमें सॉफ्टवेयर होता है, बेस से जो स्टार्ट होता है वो हमारा होता है नोटपैड, ये वाला, ठीक है। नोटपैड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। नोटपैड में हमारा सबसे पहले ये ऑप्शन होते हैं, देखो यहाँ पे ये फाइल, उसके बाद एडिट, फॉर्मेट और व्यू और हेल्प, ठीक है। तो हेल्प में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस इसमें जो बोलते हैं ना, बोलते हैं नोटपैड के बारे में सारी नॉलेज होती है हेल्प सेंटर में, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आते हैं हम फाइल में, ठीक है। फाइल में हमारा न्यू से होता है हमारा बिल्कुल नया पेज के लिए, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ऐसे हमने ये कुछ भी लिखा, ठीक। हमें ये हटा के बिल्कुल न्यू पेज लेना है, तो यहाँ से सॉरी फाइल में जाएंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एन, ठीक। तो यहाँ से इसे डोंट सेव करेंगे, सेव पे करेंगे तो यही सेव हो जाएगा, और डोंट सेव पे करेंगे तो ये डोंट सेव होकर नया पेज आ जाएगा, ठीक। ये होता है फाइल में न्यू का ऑप्शन। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन होता है ओपन का, ठीक। ओपन में हमारी जो पुरानी फाइल ऑलरेडी सेव है उसे हम ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ओपन में गए, ठीक, एक विंडो खुल के आएगी हमारे पास, ये हमारे पास एक विंडो खुल के आई, ठीक। इसमें हमने नॉर्मली जो पहले फाइल सेव की थी हम वो देखेंगे, तो इसमें नीचे करेंगे और ये है देखिए, ठीक है। इसको क्लिक किया और ओपन, ये हमारी पुरानी फाइल ओपन होगी, ठीक, जो ऑलरेडी हमने पहले से सेव की हुई थी। बाकी इसमें हमारा इसका शॉर्टकट की होता है हमारा ये कंट्रोल ओ, ठीक। उसके बाद आता है हमारा ये सेव, सेव का मतलब इस फाइल को सेव करना, ठीक है। यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे, अभी ये सेव है ऑलरेडी, इसलिए सेव होगी, ठीक। ऐसे ही हमारा अगला ऑप्शन होता है सेव एज का। सेव एज से हमारा ये फ़ायदा होता है, जैसे क्या बोलते हैं, ये फाइल हम दोबारा दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे गए हम अब यहाँ, जैसे हमारा ये नोटपैड के नाम से सेव है, हमने नोटपैड 2.0 दे दिया, ठीक, और यहाँ से एंटर करके ये सेव कर दी, ठीक है। ये सेव हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये नाम आ गया नोटपैड 2.0, ठीक। ये होता है इसका यूज, सेव एज का। अब आता है पेज सेटअप, जो हमारा ये लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज सेटअप, यानी कि जब हम इस पेज को लिखे हुए फॉर्मेट को सारे को प्रिंट करेंगे पेपर पे, ठीक है, तो हमें पेज का सेटअप करना पड़ता है। तो हमारा ज़्यादातर प्रिंटर में हमारा A4 साइज चलता है, हम A4 साइज का यूज करेंगे। यहाँ से अपना साइज लेंगे हम A4, ठीक, और ये मर्ज जो बोलते हैं ना, सोर्सेज हमारी ऑटोमेटिकली रहेंगी। बाकी ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन ये साइड में हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 0.5 की हमने इधर से अगले पे आए इस वाले पे, इसको हटाया यहाँ से और 0.5 इसे किया, ठीक, ये सॉरी ये 5 हो गया है, इसको यहाँ से 0.5 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इनको भी कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, एडर बटर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। और यहाँ से डायरेक्टली ओके करेंगे, ज़्यादा ज़रूरत का उसका यूज बस यही होता है, ऊपर पेज नंबर देना है या कुछ भी नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद फाइल में आते हैं, फाइल में हमारा प्रिंट का ऑप्शन और आता है, प्रिंट इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल पी। यहाँ से नॉर्मली हमारा जो प्रिंटर कनेक्ट होगा उस पर क्लिक करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी हमें यहाँ कुछ नहीं सेट करना, कितनी कॉपीज चाहिए वो ले सकते हैं, बाकी नॉर्मली पूरा सेट एक्यूरेट आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, किसी चीज़ से हमें कोई वो नहीं है, ठीक।
एग्जिट से हम डायरेक्टली यहाँ से बाहर जा सकते हैं गंगा के, ठीक है। दोबारा ओपन करने के लिए विंडो में जाएंगे और नॉट पैड, ठीक है। ये हमारा नॉट पैड हुआ, यहाँ से जाते हैं वही फाइल ओपन, विंडो खुल के आएगी हमारे पास। उस विंडो में से हमें फाइल को सिलेक्ट करना है। देखो अब यहाँ पे दो फाइलें हो गई दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों ये ली। ठीक, मैक्सिमाइज करेंगे इसे। अब यहाँ से आते हैं एडिट में। एडिट में हमारा सबसे पहला टूल होता है अंडो, और ये कट कॉपी पेस्ट और डिलीट। देखो अंडो का यूज होता है जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, सपोज ये इतना हमसे ऑटोमेटिक गलती से कैसे भी करके डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट हो जाता है, वैसे वापस कैसे लेके आओगे? तो डायरेक्टली एडिट में जाएंगे और अंडो पे क्लिक कर देंगे, देखो ये वापस आ गया, ठीक है। ये होता है अंडो का यूज, ऐसे ही ये होता है हमारा कट का और कॉपी का। जो कट का यूज होता है, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, इतना सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब हमें ये यहाँ से हटा के ऊपर रखना है, तो पहले इसे कट कर दिया, ठीक है, वो यहाँ से तो हट गया ही। अब उसी तरह हमें यहाँ कर्सर रखा और एंटर करके नीचे लेके यहाँ पे पेपर वाला एंटर करके इसे ऊपर ले लिया, ठीक है। अब एडिट में जाएंगे और ये पेस्ट वाला जो ऑप्शन है शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल बी, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो नीचे थी ये लाइन, ये ऊपर आ गई, ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा ऊपर आ गया। उसके बाद कट कॉपी, कॉपी का यूज भी यही होता है, सिलेक्ट करेंगे सारे को, जितना पोर्शन हमें कॉपी करना है उसका सिलेक्ट किया और कॉपी कंट्रोल सी, और कर्सर रखेंगे नीचे, और रखने के बाद क्लिक मतलब एडिट और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। देखो सेम लाइन ऊपर वाली और ये नीचे वाली सेम, ठीक है, ये वाली और ये वाली नॉट पैड में, ठीक है, सारा नॉट पैड क्लियर कर दूंगा आज मैं। आप देखो यहाँ से पेस्ट तक हो गया, डिलीट सिलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे डायरेक्ट, डिलीट हो गया, ठीक है, ये होता डिलीट का यूज। उसी तरह आता है हमारा फाइंड, फाइंड से होता है किसी वर्ड को फाइंड करना, ठीक, तो फाइंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जैसे हमें इसमें फाइंड करना है एम यू एस टी मस्ट, ठीक है, हमने मस्ट फाइंड करना है, कर्सर हमारा ऊपर रखना है, पहले हमें स्टार्टिंग से कर्सर रखना है, ठीक है। अब फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे और ये मस्ट जितनी भी जगह होगा इसमें इस सारे को ब्लू करता जाएगा, ठीक है, तो वो दो जगह है बस आगे दोनों, ठीक है। अब यहाँ से अप पे क्लिक कर दोगे तो वापस ऊपर की तरफ, ठीक है, डाउन तो नीचे की तरफ, ठीक, ये होता है फाइंड का ही। उसी तरह जो हमारा फाइंड नेक्स्ट है अगला, डायरेक्टली ये यहीं से काम करेगा, जो हमारा अंदर से हम वहाँ से कर रहे थे एडिट में, हम फाइंड में से यहाँ से कर रहे थे ना, ये वाला फाइंड नेक्स्ट ये वाला, वही हमारा डायरेक्टली यहाँ दे रखा है बाहर, ठीक है, तो ये रहा बाहर। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एफ थ्री, सॉरी इसका शॉर्टकट होता है और एफ थ्री। उसको आता है रिप्लेस, रिप्लेस का यूज होता है जैसे किसी की स्पेलिंग चेंज करना, ठीक है, किसी वर्ड को चेंज करना, जैसे करके देखते हैं, देखो रिप्लेस पे क्लिक किया, ठीक। अब यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, हम मस्ट की जगह चाहते हैं बूस्ट लिख रहे हैं, एम ओ एस टी बूस्ट, ठीक है, मस्ट और मोस्ट में फ़र्क है। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, देखो ये वाला जो मस्ट था वो मोस्ट हो गया, देखिए ये मस्ट था मोस्ट हो गया, ऐसे ही हमारा यहाँ करते रख दो और रिप्लेस पे क्लिक कर दो, देखो ये वाला मस्ट, ये मस्ट है अब मोस्ट हो जाएगा, ये मोस्ट, ये होता है रिप्लेस का यूज, ठीक, एडिट में जाओ रिप्लेस वो टू, इसके यूज जो अभी शो नहीं हो रहा, ठीक है, इसे भी बता दूँगा आपको बताता हूँ। डेट एंड मतलब टाइम, ठीक है, तो यहाँ से कर्सर जैसे हमारा यहाँ है और हम एडिट में गए और डेट एंड टाइम पे क्लिक किया तो डेट और टाइम हमारा जो आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे सिस्टम में हो रहा होगा, देखो ये जो सिस्टम में हो रहा होगा वो करेंट टाइम यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा ये वाला, ठीक, ये होता है डेट और टाइम ऐड करना। उसी तरह होता है सिलेक्ट वाला, यहाँ से हम सारे फॉर्मेट को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, ठीक है, ये एडिट वाले के लिए ना। उसके बाद आते हैं हम फॉर्मेट में, ठीक, फॉर्मेट में हमारे वर्ड ब्लॉक होता है, ठीक है, इसे हम ऑफ करते हैं, तो आप लोग हमारी लाइन ये ऐसे इधर से चल रही है और इधर की तरफ पर चलती चली जाएगी, इधर तरफ चलती जा रही है, यहाँ से हम इसे नीचे कट हुई है, ये हमारी लाइन इधर की तरफ चलती चली जा रही है,
स्टेटस पर ये है।